देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। इंदौर के अंजनी नगर स्थित बीते दिन चंद्रप्रभु मांगलिक भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर में एक ही छत के नीचे सिर से लेकर पैर तक के सभी बीमारियों के परीक्षण, उपचार एवं निदान की निःशुल्क व्यवस्था शहर के प्रख्यात हॉस्पिटल्स एवं डॉक्टर्स के सहयोग से की गई। इस शिविर में चोइथराम नेत्रालय के सहयोग से निःशुल्क ऑपरेशन के लिए मरीजों का चयन भी किया गया। शिविर के सूत्रधार महावीर जैन व उनकी पत्नी ऋतु जैन ने बताया कि विधायक संजय शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, चोइथराम नेत्रालय के डॉक्टर अश्विनी वर्मा, समाजसेवी अशोक पाटनी, अशोक मेहता, दिलीप राजपाल, कैलाश चंद्र जैन, नेताजी सतीश जैन के आतिथ्य में शुभारम्भ हुआ, जिसमें कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। देखिए, कोरोना काल के बाद हर आदमी स्वास्थ्य के लिए चिंतित है और उसकी स्वास्थ्य की चिंता कहीं समय से मेरे दिमाग में थी कि एक शहर में स्वास्थ्य लाभ के लिए एक शिविर लगाया जाए जिसमें आम जन को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा हम सकें, इसके लिए हमने शिविर लगाया है। इस शिविर में आज इंदौर शहर के सभी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, सभी प्रतिष्ठित डॉक्टर्स अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। ख़ास तौर पर आँखों की जाँच, साथ ही मोतियाबिंद को डिटेक्ट करके चोइथराम हॉस्पिटल और रेटिना हॉस्पिटल के तत्वाधान में हमने आज 51 मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा है। जो भी पेशेंट डिटेक्ट होंगे उन्हें चोइथराम नेत्रालय भेजकर हम 51 ऑपरेशन मोतियाबिंद के कराएंगे। इसके अलावा संपूर्ण शरीर की जांच, सिर से लेकर पैर तक जितने भी डॉक्टर्स महत्वपूर्ण इंदौर शहर में हैं वे सभी आज यहाँ पर अपनी सेवाएँ निःशुल्क देंगे और इस पूरे इंदौर शहर के जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाएंगे। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।